हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी फैन फिक्शन। और आज मैं आप सबके पास वंशियन फैन फिक्शन समवंस टॉप इज माय बॉटम का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था हमारे विंग और वांगजी एक दूसरे को अग्रेसिवली किस कर रहे थे, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पर हाँ, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना मत भूलना, ओके? और हाँ, प्लीज़ मुझे बहुत सारे कमेंट्स कीजिए, ओके? क्योंकि मुझे आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई देना बहुत पसंद है, तो कमेंट्स बहुत सारे करना, ओके? तो चलिए अब बढ़ ही जाते हैं आगे। विंग वांग जी को बहुत सारा किस कर रहा था, और फिर वांग जी विंग को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसे अग्रेसिवली किस करते हुए उसके लिप्स के कॉर्नर में एक छोटा सा बाइट कर देता है, जिस वजह से विंग आउच करते ही उसका मुंह थोड़ा सा खुल जाता है, और वांग जी उसके चिन को पकड़ते हुए अपने टंग को उसके माउथ में एंटर करता है और बहुत ही ब्रूटली उसके पूरे माउथ को अपने टंग के थ्रू एक्सप्लोर करने लगता है, और थोड़ी ही देर में उसके टंग को अपने मुंह में लेकर सब करता है। विंग बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था इस एक्शन की वजह से, और फिर वो भी किसका रिस्पॉन्स पैशनेटली देने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी फिर से शुरू हो गई। वांग जी फिर से विंग के साथ इंटीमेट होता है, और इस बार वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर रहा था, और विंग को भी बहुत मज़ा आ रहा था। इस क्यूट से पैशनेट राउंड के बाद हमारा विंग इतना थक चुका था कि उसका मन कर रहा था कि वांग जी को पकड़कर बहुत पीटे, क्योंकि उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो बॉटम बनेगा। और फिर वांग जी मुस्कुरा कर कहता है, तुम मुझसे शादी कब करोगे? फिर विंग कहता है, इस जन्म में तो नहीं, तुम्हारे पास मैं कभी नहीं आऊँगा। और फिर वांग जी मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें तो मेरे पास ही आना है, वरना मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और फिर विंग हंसते हुए कहता है, फिर तो मैं ही आ जाऊँगा, क्योंकि तुम खुद से आओ तो मेरे लिए झेलना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर दोनों ही हंसते हैं और फिर से एक दूसरे को अग्रेसिवली किस करने लगते हैं, और फिर से वांग जी विंग के ऊपर आकर अपने पूरे वेट से उसे लॉक कर लेता है। और अब हमारा विंग उसे बहुत मना कर रहा था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, पर वांग जी वो कहाँ रुकेगा। और इस तरह वांग जी पूरी रात हमारे विंग को जगा कर रखता है। सुबह दोनों ही एकदम बहुत ही ज़्यादा थके हुए हालत में सो रहे थे, और फिर फाइनली वांग जी की नींद खुल गई और उसने विंग को क्लीन कर लिया और फिर खुद को भी क्लीन कर लिया। और फिर जब हमारा विंग जाग गया तो उसे लेकर वो बाथटब में चला गया। दोनों साथ नहाते हैं और वहाँ पर एक और बार रोमांस करते हैं, और फिर फाइनली हमारा वांग जी विंग को लेकर अपने पेरेंट्स से मिलने जाता है। वहाँ पर लैन चिरैन और लैन बावसा सरेन दोनों से मिलकर बहुत खुश होते हैं, और फिर लैन चिरैन कहता है, अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हाँ, वांग जी की स्टडीज़ कंप्लीट होने तक तुम दोनों शादी नहीं कर सकते। विंग भी इस बात से एग्री करता है, पर वांग जी वो तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। वो कह रहा था, क्यों, शादी के बाद लोग पढ़ते नहीं हैं क्या? मैं शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकता हूँ ना, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फिर लैन चिरैन गुस्से में वांग जी की ओर देखते हैं और वांग जी बिल्कुल चुप हो जाता है, और ये देखकर विंग और लैन बावसा सरेन दोनों ही हंसने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथों में ताली देते हैं और हंसने लगते हैं, और फिर वांग जी और लैन चिरैन भी हंसने लगते हैं। और फिर लैन बावसा सरेन यानी वांग जी के मदर विंग से कहते हैं, आज तुम हमारे घर चलोगे। और फिर विंग कहता है, मुझे आज एक ऑपरेशन के लिए जाना है, बहुत ज़रूरी है। और फिर लैन बावसा सरेन कहते हैं, तो ठीक है, आज रात डिनर पे आ जाना, हम तुम्हारा वेट करेंगे, और ऊपर से हमारा एक और सन है वांग जी का एल्डर ब्रदर, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। और फिर विंग भी हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। आज विंग बहुत खुश था, भले ही वो बॉटम बन चुका है, उसे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन वो वांग जी के लिए बॉटम है, इसलिए उसे बहुत खुशी भी है।
वो मिक्स फीलिंग के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। और फिर अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद फाइनली वांग जी आता है विंग के पास उसे ले जाने के लिए। विंग भी उसके साथ जाने लगता है। इतने में ही उसके हाथ से एक फ़ोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है। ये फ़ोटो फ्रेम उसके मॉम डैड का था। विंग रोने लगता है कि उसके मॉम डैड की इतनी प्यारी फ़ोटो ख़राब हो गई कांच के टूटने की वजह से। फ़ोटो पे हल्का सा कांच लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। कांच लगने की वजह से फ़ोटो में कई जगह हल्के हल्के से दाग पड़ चुके थे। विंग रोने लगा था तो वांग जी कहता है ये तो हम कभी भी ठीक कर देंगे, तुम इसे मुझे दो और यहाँ पर थोड़ी देर वेट करो। वांग जी अपनी बाइक लेकर कहीं चला जाता है। विंग उसका वेट करता है और आधे घंटे में ही वांग जी फ़ोटो को एकदम करेक्ट करा के ले आता है। और फिर विंग पूछता है तुम कहाँ गए थे? अरे और कहाँ, फ़ोटोशॉप पर। वहाँ पर फ़ोटोशॉप नाम का एक स्टूडियो है, बहुत अच्छा है, वहीं पर एकदम ठीक करा कर लाया हूँ इसे। विंग खुश हो जाता है और अपने मॉम डैड के फ़ोटो को वही टेबल पर रखता है और विंग वांग जी के साथ बाइक पर बैठकर चला जाता है। दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। वांग जी बाइक राइड कर रहा था और विंग पीछे उसके साथ बिल्कुल गर्लफ्रेंड की तरह बैठा था। विंग के लिए ये एहसास बहुत ही न्यू था और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। और फिर फाइनली दोनों लैन हाउस पहुँच जाते हैं। लैन हाउस पहुँचते ही विंग के मदर, वांग जी के फादर और मदर दोनों ही विंग का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और कहते हैं तुम वांग जी के कमरे में जाकर रेस्ट करो, डिनर टाइम पर ही हम तुम्हें बुला लेंगे। और फिर वांग जी खुश हो जाता है और विंग को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वांग जी का कमरा बहुत ही बड़ा और आलीशान था। विंग तो सोचा भी नहीं था कि उसे इतना अच्छा कमरा देखने मिलेगा। विंग हमेशा से ही बहुत ज़्यादा फटे हालत में रहा है। जियांग परिवार में मैडम यू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उसे स्टोर रूम में रखा हुआ था और इसीलिए विंग के लिए ये कमरा कुछ ज़्यादा ही आलीशान है। विंग वांग जी के कमरे में घूम रहा था, देख रहा था आसपास और फिर वांग जी उसे पीछे से हक कर लेता है और उसके नेक में अपने नोज़ को रब करते हुए कहता है तुम्हें अपना कमरा कैसा लगा? मेरा कमरा? हाँ बिल्कुल तुम्हारा। विंग मुस्कुराता है और कहता है बहुत अच्छा है, पर 2 साल बाद ये मेरा होगा, तब तक के लिए तो ये तो सिर्फ तुम्हारा है। वांग जी भी मुस्कुराकर कहता है बिल्कुल नहीं, ये हमेशा से ही तुम्हारा है और मैं भी। और फिर इतने में ही वांग जी की मदर बुला लेते हैं दोनों को। दोनों नीचे जाते हैं, तब तक लैन शिचैन भी वहाँ पहुँच चुके थे। विंग लैन शिचैन से बात करता है और दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है, यानी वांग जी की पूरी फैमिली विंग को एक्सेप्ट कर चुके थे। बस अभी एक ट्विस्ट आना बाकी है। हमारे लैन चिरैन कहते हैं तुम थोड़ी देर वेट करो, डिनर पे आज मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को भी बुलाया है। विंग भी खुश हो जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल पूरी फैमिली साथ बैठेंगे। ये सुनकर तो लैन चिरैन भी बहुत खुश हो गए कि विंग अभी से ही उन्हें अपना फैमिली कह रहा है। इतने में ही दरवाजे पे घंटी बज जाती है। लैन चिरैन जाते हैं दरवाज़ा खोलने और फिर अपने बॉयफ्रेंड को हक कर लेते हैं। और जैसे ही वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर डाइनिंग टेबल के सामने आते हैं, बहुत ही बड़ा झटका लगता है सबको। हमारे विंग को बहुत ही बड़ा झटका लग चुका था क्योंकि लैन शिचैन का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं मैंग याओ था। मैंग याओ भी विंग को देखकर घबरा जाता है। अगर विंग ने लैन शिचैन को सब कुछ बता दिया तो लैन शिचैन उसे छोड़ देगा, गोल्ड डिगर कहेगा। मैंग याओ ये नहीं चाहता था तो उसने बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड किया कि वो विंग को जानता ही नहीं और आज पहली बार मिल रहा है। विंग ने भी यही नाटक कंटिन्यू किया पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वांग जी को समझ आ रहा था कि किसी बात से विंग डिस्टर्ब है। तो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर अपने कमरे में जाता है और विंग भी गुस्से में रोते हुए उसे सब कुछ बता देता है। और ये सब सुनकर तो हमारा वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो इतने गलत इंसान के साथ अपने भाई को कभी नहीं रहने देगा, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना इस बारे में। जो इंसान सिर्फ पैसों के लिए किसी के साथ रिलेशन में आ सकता है और उसे धोखा भी दे सकता है, वो इंसान किसी भी सूरत में लैन शिचैन के लायक नहीं। ये सोचकर हमारा वांग जी
सोचता है कि उसे अभी जाकर अपने भाई को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। और फिर विंग उसे रोककर कहता है, अभी नहीं, डिनर का टाइम है, सबका ब्यूटीफुल मोमेंट ख़राब हो जाएगा, तुम अपने भाई से कल बात कर लेना। वांग जी भी अग्री करता है। फिर सब लोग बैठकर साथ में डिनर करते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पर हमारा विंग अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब था। वांग जी भी उसे समझ रहा था, इसलिए उसके हाथ में हाथ दे दिया। और फिर वांग जी को थोड़ी सी मस्ती सूझी और उसने विंग के हाथ को स्क्वीज़ कर दिया। और फिर विंग भी उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। और इतने में ही लैन टीरैन को थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि विंग और वांग जी डिनर टेबल पर ही कुछ गलत कर रहे हैं। वो गुस्से में वांग जी की ओर देखकर थोड़ा सा खांसते हैं करके, और फिर समझते हुए वांग जी फौरन विंग का हाथ छोड़ देता है। पर विंग वांग जी के मन में अभी भी थोड़ी सी शरारत चल रही थी। वो अपने पैरों से विंग के पैरों में टच करने लगता है। विंग अब इरिटेट होकर गुस्से में उसकी ओर देखता है और वांग जी एक प्यारा सा स्माइल देकर उसे मना लेता है। और फिर सब लोग डिनर ख़त्म करते हैं और फिर विंग कहता है, अब मुझे घर जाना चाहिए वरना मैडम यू नाराज़ हो जाएंगी। और फिर लैन चिरैन और लैन वापस सरीन और लैन शीचैन भी विंग को गुड बाय कहते हैं और वांग जी जाकर उसे अपनी बाइक में जियांग हाउस छोड़ के आता है। और फिर उसे एक गुड बाय किस देकर वो चला जाता है वहाँ से। और अब विंग जियांग हाउस के सामने था, गेट बंद था, और वो जाकर दरवाजे की बेल को प्रेस कर देता है। और इतने में ही हमारा आज का पार्ट यहीं पर स्टॉप होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय बाय। हेलो।